दोस्तों सबसे बड़ा रीजन क्यों मोस्ट लोग अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म नहीं कर पाते, जिम में प्रोग्रेस नहीं देख पाते, एक लीन मस्कुलर एथलेटिक बॉडी अचीव नहीं कर पाते, वो ये है कि वो जिम में बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं। एक बॉडी पार्ट के लिए वो तीन तीन चार चार एक्सरसाइज परफॉर्म कर रहे होते हैं, बट किसी भी एक्सरसाइज में अपनी पूरी जान नहीं लगाते। एफर्ट लेवल उनका बहुत कम होता है, जिस वजह से गैस उनकी फिजिक कभी ट्रांसफॉर्म नहीं होती। इसलिए गैस आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ तीन बेस्ट एक्सरसाइज आपकी पूरी बॉडी के लिए, एक बॉडी पार्ट के लिए नहीं, पूरी बॉडी के लिए, जिनसे आपकी फिजिक पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। और इसके अलावा मैं इन तीन एक्सरसाइजेस के होम ऑल्टरनेटिव भी शेयर करूंगा जिन्हें आप घर पर परफॉर्म कर पाएंगे, और इन तीन एक्सरसाइजेस के मैं आपके साथ स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड भी शेयर करूंगा, जिन स्टैंडर्ड्स को अगर आप मीट कर पाएंगे, क्रॉस कर पाएंगे, तो आपकी बहुत मस्कुलर और स्ट्रांग फिजिक होगी, और स्ट्रांग के साथ काफ़ी लीन फिजिक होगी, आपके एब्स विजिबल होंगे। और गाइस सबसे अच्छी बात यह है कि इन तीनों एक्सरसाइजेस में आप सबसे ज़्यादा वेट उठा पाएंगे, किसी दूसरे एक्सरसाइज में आप इतना वेट नहीं उठा पाएंगे जितना इन तीन एक्सरसाइज में उठा पाएंगे, क्योंकि गाइस ये तीनों है कंपाउंड एक्सरसाइजेस, कंपाउंड मूवमेंट्स, जिनमें काफ़ी ज़्यादा मसल ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, काफ़ी ज़्यादा जॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा वेट उठा पाते हैं और प्रोग्रेसिव ओवरलोड के प्रिंसिपल को भी अप्लाई कर पाते हैं, मतलब वेट भी काफ़ी जल्दी इंक्रीज कर पाते हैं, जिससे आपकी फिजिक ट्रांसफॉर्म होती है। तो गाइस बिना किसी देरी के बात करते हैं पहली एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज है ट्रैप बार डेडलिफ्ट। गाइस ट्रैप बार डेडलिफ्ट काफ़ी सिमिलर है नॉर्मल कन्वेंशनल डेडलिफ्ट के, बट कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में जो बार होती है वो हमारी टांगों के आगे होती है, बट ट्रैप बार डेडलिफ्ट में हमारे टांगों के साइड में होती है, जिस वजह से हमारी लोअर बैक पे कम स्ट्रेस पड़ता है और इंजरी के चांसेस बहुत कम होते हैं ट्रैप बार डेडलिफ्ट में एज कम्पेयर टू नॉर्मल डेडलिफ्ट। और गाइस ट्रैप बार डेडलिफ्ट में आप ऑलमोस्ट अपनी पूरी लोअर बॉडी को ट्रेन करते हैं, क्वाड्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स काफ़ी हैवली इन्वॉल्व होते हैं, और इसके अलावा आपकी अपर बॉडी की मसल्स लाइक लोअर बैक, अपर बैक, योर कोर, दे आर ऑल्सो हैवली इन्वॉल्व इन ट्रैप बार डेडलिफ्ट। इसलिए गाइस ट्रैप बार डेडलिफ्ट वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी ओवरऑल स्ट्रेंथ के लिए, मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए। और गाइस ट्रैप बार डेडलिफ्ट का स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड है 180 से 200 किलो पांच रेप के लिए, 180 किलो उनके लिए जिनका वेट थोड़ा कम है, हाथ थोड़े छोटे हैं, 200 किलो एक एवरेज बंदे के लिए जिसकी एक एवरेज हाइट है, एवरेज लिम्ब लेंथ है। और गाइस ट्रैप बार डेडलिफ्ट के बाद जो दूसरी बेस्ट एक्सरसाइज है आपकी बॉडी के लिए वो है वेटेड डिप्स। गाइस वेटेड डिप्स में आप ट्रेन करते हैं अपनी चेस्ट, शोल्डर और ट्राइसेप्स को, बट इन तीन मसल ग्रुप्स के अलावा आपका जो कोर होता है वो काफ़ी हैवली इन्वॉल्व होता है, बिकॉज यू आर मूविंग योर बॉडी थ्रू स्पेस, तो आपके कोर का एज अ स्टेबलाइजर काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल होता है। और इसके अलावा क्योंकि जब आप वेटेड डिप परफॉर्म कर रहे होते हैं आपकी शोल्डर ब्लेड्स पीछे होती हैं, तो जो आपकी अपर बैक की मसल्स होती है ना, वो भी आइसोमेट्रिकली काम कर रही होती है एज अ स्टेबलाइजर। और गाइस इस एक्सरसाइज का स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड है 25 से 55 किलो पांच रेप्स के लिए, और इस एक्सरसाइज को आप कभी भी पांच रेप से कम और 12 रेप से ज़्यादा परफॉर्म ना करें। जब आप 12 रेप परफॉर्म कर पाएँ उस वेट से, तब आप अगली बार वेट इंक्रीज करें। और गाइस वेटेड डिप्स के बाद तीसरी बेस्ट एक्सरसाइज आपकी बॉडी के लिए वेटेड न्यूट्रल ग्रिप पुलअप्स। न्यूट्रल ग्रिप इसलिए क्योंकि न्यूट्रल ग्रिप सबसे नेचुरल होती है आपके शोल्डर्स के लिए, एल्बोज के लिए, इंजरी फ्री रहने के लिए सबसे बेस्ट होती है न्यूट्रल ग्रिप। इवन का स्ट्रैप बार डेडलिफ्ट में और वेटेड डिप्स में भी हमने न्यूट्रल ग्रिप को यूज़ किया था, क्योंकि वो सबसे नेचुरल ग्रिप होती है और उसमें इंजरी होने का चांस ना के बराबर होता है। इवन गाइस आपने मुझे अपनी पिछली वीडियोस में ओवरहेड प्रेस परफॉर्म करते हुए देखा होगा, वो भी मैं न्यूट्रल ग्रिप से करता था। और गाइस वेटेड न्यूट्रल ग्रिप पुलअप्स में हम ट्रेन करते हैं अपनी बाइसेप्स को, ब्रेकियालिस को, फोरआर्म्स को, अपर बैक को, लैट्स को, इवन जो हमारा कोर होता है वो भी काफ़ी हैवली इन्वॉल्व होता है इस एक्सरसाइज में। और गाइस इस एक्सरसाइज का स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड है 20 से 50 किलो पांच रेप के लिए, 20 किलो अगेन गाइस उनके लिए जो थोड़े हैवी हैं, 90-100 किलो जिनका वेट है, और 50 किलो 40 किलो उनके लिए जिनका वेट थोड़ा कम है, थोड़ा लाइट वेट है उनका।
और गाइस ये स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड मोस्ट लोगों के लिए काफ़ी डिफिकल्ट होंगे अचीव करना, स्पेशली जिनके जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं है, एवरेज जेनेटिक्स है मेरी तरह। गाइस जब मैं पहली बार जिम में गया था मेरे से एक पुलअप नहीं हुआ था, एक पुशअप नहीं हुआ था, बेंच प्रेस भी खाली बार से नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे जेनेटिक्स इतने अच्छे नहीं है, बहुत वीक था पहले। बट कुछ लोगों के लिए इन स्टैंडर्ड्स को हिट करना थोड़ा ईजी होगा, स्पेशली जिनके जेनेटिक्स अच्छे हैं या जो कोई एथलेटिक बैकग्राउंड से आए हैं, जो पहले किसी और स्पोर्ट में कम्पीट कर चुके हैं। गाइस मैं जानता हूँ काफ़ी लोग होते हैं जो पहले दिन जिम में जाकर 10-15 पुलअप परफॉर्म कर पाते हैं, डिप्स परफॉर्म कर पाते हैं, बेंच प्रेस में 50-60 किलो ऐड कर पाते हैं पहले दिन ही, क्योंकि उनका एक एथलेटिक बैकग्राउंड होता है, उनकी डाइट पॉइंट पे होती है, वो काफ़ी स्ट्रांग होते हैं बचपन से ही अपने जेनेटिक्स की वजह से। बट इररिस्पेक्टिव ऑफ योर करंट स्ट्रेंथ लेवल, अगर आप इन स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड्स को हिट कर पाएंगे तब आपकी फिजीक बैलेंस्ड होगी फ्रॉम टॉप टू बॉटम, आप स्ट्रांग भी होंगे, लीन भी होंगे और एथलेटिक भी होंगे, आपके एब्स भी विजिबल होंगे। क्योंकि गाइस काफ़ी लोग होते हैं जो डेडलिफ्ट तो परफॉर्म कर पाते हैं 250-300 किलो तक, काफ़ी पावर लिफ्टर्स होते हैं ऐसे, बट क्योंकि उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, उनका वेट बहुत ज़्यादा होता है, उनसे एक पुलअप या एक डिप भी परफॉर्म नहीं होता। और क्योंकि गाइस आपको वेटेड डिप्स और वेटेड पुलअप्स परफॉर्म करने के लिए अपना वेट कम करना पड़ेगा, थोड़ा हेल्दी बॉडी फैट परसेंटेज में आना पड़ेगा, जिसमें गाइस आपके एब्स विजिबल होंगे। और दूसरी तरफ कुछ लोग होते हैं जो कभी अपनी लेग्स को, लोअर बैक को, अपर बैक को कभी ट्रेन नहीं करते, तो वो लोग वेटेड डिप्स वेटेड पुलअप्स तो परफॉर्म कर पाएंगे 40-50 किलो तक, बट वो कभी डेडलिफ्ट नहीं परफॉर्म कर पाएंगे, तो उनकी लेग्स काफ़ी इम्बैलेंस होगी, काफ़ी छोटी लगेंगी एज कम्पेयर टू देयर अपर बॉडी, और उनकी लोअर बैक भी काफ़ी वीक होगी, इंजरी के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। इसलिए गाइस मैंने इन तीन एक्सरसाइजेस को चूज किया ताकि आपकी फिजिक बैलेंस भी हो, स्ट्रांग भी हो, लीन भी हो और एथलेटिक भी हो। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन तीनों एक्सरसाइजेस के होम ऑल्टरनेटिव की। उसकी बात करने से पहले मैं आपके साथ अपना पर्सनल फेवरेट होम इक्विपमेंट शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जिनके पास जिम जाने का टाइम नहीं होता या एक्सेस नहीं होता जिम का, वो घर पर एक्सरसाइजेस परफॉर्म करना प्रेफर करते हैं, और मोस्ट लोग डंबल्स खरीदते हैं घर पर एक्सरसाइज परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि डंबल्स इतने भारी भी नहीं होते और ज़्यादा जगह मिल लेते, इसलिए मोस्ट लोग डंबल्स को प्रेफर करते हैं घर पर एक्सरसाइज करने के लिए। बट मैं प्रेफर करता हूँ बैंड्स को, रेजिस्टेंस बैंड को, क्योंकि गाइस रेजिस्टेंस बैंड ऑब्वियसली डंबल से हल्के हैं, आप इन्हें कहीं भी कैरी कर सकते हैं और ये भी गाइस स्पेस ज़्यादा नहीं लेते। तो गाइस बात करते हैं पहली एक्सरसाइज की। पहली एक्सरसाइज है वेटेड डिप्स का सब्स्टिट्यूट। वेटेड डिप में हम ये मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं और इसका सबसे क्लोजेस्ट मोशन है ये जो हम पुशअप करते हैं परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले हम परफॉर्म करेंगे पुशअप्स विद बैंड्स, क्योंकि बैंड्स का 25-30 किलो वेट ऐड हो जाता है टॉप पर जब बैंड्स पूरे स्ट्रेच होते हैं। उसके बाद हम परफॉर्म करेंगे पुशअप्स विदाउट बैंड्स और एंड में हम परफॉर्म करेंगे बेंच डिप्स टू फैटीग आवर ट्राइसेप्स, क्योंकि गाइस जो पुशअप्स है वो चेस्ट डोमिनेंट एक्सरसाइज है और उसमें हम अपनी ट्राइसेप्स को बहुत कम ट्रेन करते हैं, इसलिए अपनी ट्राइसेप्स को अच्छी तरह ट्रेन करने के लिए हम परफॉर्म करेंगे बेंच डिप्स एट द एंड ऑफ अवर सेट। तो गाइस इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे पुलअप का सब्स्टिट्यूट और पुलअप में हम ये मोशन परफॉर्म करते हैं। बट मोस्ट लोग के घर में ऐसी कोई जगह नहीं होगी ऊपर की वो अपने बैंड को टांग सके, इसलिए इसकी जगह हम अपने टोर्सो को बेंड करेंगे, जैसे पुलअप में हम ये मोशन परफॉर्म करते हैं। अगर हम अपने टोर्सो को बेंड करें ऐसे और ये मोशन परफॉर्म करें तो ये भी बिल्कुल पुलअप का रेप्लिकेशन हो गया। इसको मैं आपको परफॉर्म करके दिखाता हूं। यहां पे ये फिक्स कर लिया मैंने बैंड और अब मेरे को अपने टोर्सो को बैंड करना है ऐसे। अब ये मैं बिल्कुल पुलअप वाली पोजीशन में आ गया हूं और ये मोशन परफॉर्म करना है। और इसके बाद हम परफॉर्म करेंगे स्लैप रो, जिसका डेमोन्स्ट्रेशन मैंने आपको अपनी एक पिछली वीडियो में दिखाया था ऐसे। और गाइस आखिर में बारी आती है ट्रैप बार डेडलिफ्ट के ऑल्टरनेटिव की, जो कि सबसे मुश्किल है घर पर परफॉर्म करना। गाइस ट्रैप बार डेडलिफ्ट को सिर्फ आप ट्रैप बार डेडलिफ्ट से परफॉर्म कर सकते हैं, घर पर उस मोशन को रेप्लीकेट करना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी गाइस उस मोशन को रेप्लीकेट करने के लिए हम घर पर परफॉर्म करेंगे बैंडेड स्क्वाट्स, क्योंकि गाइस बैंड से जब वो स्ट्रेच होते हैं
तो 25-30 किलो तो वेट ऐड हो ही जाता है टॉप पर। और बैंडेड स्क्वाट्स को फेलियर तक परफॉर्म करने के बाद हम परफॉर्म करेंगे सिंगल लेग हिप थ्रस्ट। तो गाइस ये थी 3 बेस्ट एक्सरसाइजेस टू ट्रांसफॉर्म योर फिजिक और उनके 3 बेस्ट अल्टरनेटिव होम अल्टरनेटिव। और दोस्तों इस वीडियो के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल अभी छोटा है बट कंटेंट बड़ा होगा। मिलते हैं अगली बारी, टेक केयर।